एपिसोड स्टार्ट होता है और लिली, लीजुन और यूचैन स्कूल में अपनी क्लास की तरफ जा रही थी। तभी पीछे से पेई आता है और उनको गुड मॉर्निंग विश करता है। फिर यूचैन सबसे पूछती है कि क्या किसी ने माइग्रेटरी बर्ड्स को देखा कल। लिली कुछ नहीं कहती। पेई लिली की तरफ देखता है। फिर यूचैन जब पेई से पूछती है तो वो भी इनकार कर देता है। फिर ब्रेकफास्ट का बहाना बनाकर वो यूचैन के साथ कैंटीन चला जाता है। लिली लाइब्रेरी में बैठी हुई उस फेदर को देखकर पेई की बातें याद कर रही थी। उसे पेई की सुबह की बात भी याद आ जाती है जब उसने झूठ बोला था कि वो बर्ड्स नहीं देख पाया। लिली को बहुत बुरा लग रहा था पेई की बातों से। तभी वहाँ लीजुन आकर लिली से कहती है कि वो उदास क्यों है। लिली कहती है कुछ नहीं। लीजुन कहती है तुम लास्ट इतनी उदास तब हुई थी जब तुम्हारे पापा का फ्यूनरल हुआ था। फिर वो दोनों बाहर जाकर बात करने लगती है। लिली लीजुन से कहती है कि उसके पापा जब बीमार थे तो उन्हें लगता था कि वो ठीक हो जाएंगे, उन्हें होप थी, लेकिन वो नहीं हो पाए और एक दिन हम सबको छोड़कर चले गए। तब मैंने सोचा कि झूठी होप बढ़ाकर क्या फ़ायदा, और ये कहकर लिली रोने लगती है। लीजुन उसे रोने देती है क्योंकि तभी उसके इमोशंस बाहर आ पाएंगे जो उसने इतने वक्त से दबा कर रखे थे। वो दोनों गले मिलकर रोने लगती हैं। बाद में लीजुन सभी को बताती है कि वो स्कूल ट्रांसफ़र करने वाली है। सभी पूछते हैं कि तुमने हमें बताया क्यों नहीं पहले। सभी उसके इस डिसीजन से सैड थे। उसने सबके लिए फेयरवेल पार्टी रखी हुई थी और सबको इनवाइट किया था। पार्टी की रात लिली पेई का वेट कर रही थी। वो पेई के लिए कुछ गिफ्ट लाई थी और उससे कुछ कहने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर यूचैन आ जाती है। पेई और यूचैन ने मैचिंग आउटफिट्स पहने हुए थे। ये देखकर लिली अपना गिफ्ट पीछे छुपाकर कुछ नहीं कहती। फिर साल आता है 2004 का। लिली अपनी नई डायरी में लिखती है मैं इस साल भी माइग्रेटरी बर्ड्स देखना चाहूँगी, और फिर उसमें वो फेदर रखकर डायरी बंद कर देती है। फिर हमें लिली को दिखाया जाता है जो एक फार्म पे माइग्रेटरी बर्ड का स्केच बना रही थी। वो कहती है एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप से ज़्यादा एक दूसरे का साथ निभाना ज़्यादा मुश्किल है। दिन आता है लीजुन का स्कूल छोड़ने का। वो फ्रेंड्स के साथ फ़ोटोज क्लिक करती है और सबसे मिलकर चली जाती है। लिली उसे जाते देख रो रही थी। तभी वहाँ एक स्टूडेंट आकर टिश्यू पेपर देता है उसे अपने आंसू पोंछने के लिए और कहता है मेरी मॉम कहती है आंसू स्किन के लिए अच्छे नहीं होते क्योंकि उसमें सॉल्ट होता है, लड़कियों को ज़्यादा रोना नहीं चाहिए। फिर वो वहाँ से चला जाता है। बाद में क्लास टीचर एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस कराते हैं जिसका नाम डैनियल होता है। ये वही लड़का था जिसने लिली को सुबह टिश्यू पेपर दिया था। उसे यूचैन के पास बैठने को कहा जाता है। ये देखकर पेई बहुत जेलस फील कर रहा था। लिली क्लास रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे उसे स्कूल दिखाती है। तभी उन दोनों में वह अच्छी दोस्ती हो जाती है। लिली रात को घर आती है तो उसके कमरे में शानरान ने अपनी बुक्स रखी हुई थी उसे पढ़ाई में हेल्प करने के लिए। लिली स्माइल करते हुए कहती है कि ये बात तो वो डायरेक्टली भी बोल सकता था। नेक्स्ट डे लिली की मॉम शानरान को टिफ़िन देती है कॉलेज में खाने के लिए और वो ले लेता है। उसके इस बिहेवियर को देखकर सभी खुश थे, स्पेशली लिली। स्कूल में रोमियो जूलियट का प्ले करने के लिए लिली, डैनियल, पेई और यूचैन को चूज़ किया जाता है। इसकी मॉडरेटर लिली थी। यूचैन जूलियट प्ले करने वाली थी तो पेई को भी रोमियो प्ले करना था, बट इस रोल के लिए डैनियल उस सबसे टफ कॉम्पिटिटर था। तो वोटिंग होती है और सभी डैनियल के प्ले से इम्प्रेस्ड होकर उसे वोट देते हैं, लिली भी। ये देखकर पेई गुस्से से वहाँ से चला जाता है। शाम को लिली के अंकल उससे मिलने आते हैं। वो लिली की मॉम को स्टॉक में इन्वेस्ट करने को कहते हैं, पर लिली की मॉम कहती है कि उनके पैसे लिली की कॉलेज फ़ी के लिए हैं। लिली शानरान को इन्फॉर्म करने जाती है कि अंकल लियू ने डिनर के लिए सीट्स बुक की है। वो कहता है मुझे पता है। वो उसे स्टॉक में इन्वेस्ट करने से मना करता है क्योंकि अगर वो डेप्थ में चली गई तो दूसरों के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। शानरान की बातों से चिढ़कर लिली वहाँ से चली जाती है। स्कूल में अभी भी पेई लिली को इग्नोर कर रहा था। इससे वो बहुत हर्ट होती है। तभी नोटिस बोर्ड पर पेई ने डैनियल को ओपनली सॉकर मैच कॉम्पिटिशन के लिए चैलेंज किया था। डैनियल वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और फिर सारी प्रिपरेशन स्टार्ट होती है। गेस्ट्स भी आ चुके थे और फिर पेई और डैनियल फील्ड पर आ जाते हैं और मैच स्टार्ट हो जाता है और यहाँ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। अगर हाँ
तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट डाउन बिलो फॉर योर सजेशंस एंड ऑल्सो थिंक अबाउट सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड स्मैशिंग द बेल आइकन सो दैट यू गेट द फर्दर नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई पोस्ट न्यू एक्सप्लेनेशन। इसी के साथ मैं हाजिर हो जाऊंगी आपके लिए एक नई वीडियो का एक्सप्लेनेशन लेकर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।